हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टेंस फॉर्म्स, पढ़ने वाले हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, टेंस क्या होते हैं। टेंस शोज द टाइम एंड द फ्लो ऑफ एन एक्शन। दोस्तों, जो टेंस होते हैं हमारे, वो क्या बताते हैं हमें, जो काम हुआ है, कोई भी काम हुआ है उसके टाइम के बारे में बताते हैं। टेंस से क्या होता है दोस्तों, जो भी काम होता है उस काम के अकॉर्डिंग जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। टेंस में दोस्तों क्या होता है, जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, टाइम ऑफ एक्शन, यानी जो भी टाइम, जो भी एक्शन हुआ उसके टाइम के अकॉर्डिंग। तो यही दोस्तों हमारा टेंस होता है। और दोस्तों, टेंस और टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक टाइम होता है एक टेंस होता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइम तो दोस्तों क्या है, जो टेंस है दोस्तों एक हमारी ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन टाइम दोस्तों हमारी एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं होती, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। और दोस्तों, टाइम को आपको पता है, हम दिनों महीनों वर्षों आदि का मतलब इसके बारे में पता चलता है टाइम से, लेकिन टेंस से इसका बारे में पता नहीं चलता। तो टाइम और टेंस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन टेंस से क्या होता है दोस्तों, टेंस में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। टेंस दोस्तों हमारे जो मेन है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल इसको बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल, और जो फ्यूचर टेंस है उसको भविष्यकाल या भविष्यता काल भी हम बोलते हैं। प्रेजेंट दोस्तों, कोई भी कार्य है दोस्तों उसके वर्तमान समय में होने या फिर वर्तमान समय उस काम को करने का जिससे बोध होता है, वो हमारा दोस्तों प्रेजेंट टेंस होता है। दोस्तों, हर टेंस के चार चार टाइप हैं, जैसे एक तो सिंपल होता है, प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली दोस्तों, पास्ट में भी चार होंगे, सिंपल पास्ट, और इसको दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट भी बोला जाता है, सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही दोस्तों फ्यूचर में भी होता है, सिंपल फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट बोल देते हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट, इन तीनों के दोस्तों आगे जो चार के हैं सब पार्ट्स भी हैं। अब दोस्तों हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है, ए वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, अगर किसी वर्ब से प्रेजेंट टाइम के बारे में पता चलता है, प्रेजेंट यानी जो वर्तमान, जो भी समय चल रहा है, तो इसके बारे में पता चलता है, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, कोई भी कार्य है वो हमारे इस टाइम या तो हो रहा होगा या वो इस टाइम हमें करना है, यानी कि वर्तमान समय में उसके होने या करने का बोध हमें होता है। जैसे कि वह कोई कार्य कर रहा है, या कोई कार्य हो चुका है, हो गया है, या एक लंबे समय से होता रहा है, इस टाइप का जिससे बोध होता है वो दोस्तों हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हो दोस्तों, सचिन प्लेज क्रिकेट। तो सचिन प्लेज क्रिकेट, जो प्लेज है दोस्तों ये हमारी वर्ब की फॉर्म है, और सचिन प्लेज क्रिकेट का मतलब है सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन क्रिकेट खेलता है, इससे दोस्तों क्या है हमारा प्रेजेंट के बारे में पता चल रहा है। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब पॉइंट्स। तो इसके दोस्तों 4 सब टाइप्स हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे जो पहला इसका सब टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दोस्तों मेन इसके आपको रूल पता होने चाहिए, और रूल के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको रूल नहीं पता कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो भी कोई मतलब कि तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको रूल पता है, ये नहीं पता है कि कहाँ पे मतलब इसको यूज़ करना है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन रूल सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे देखो, इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शंस रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। दोस्तों जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो भी दोस्तों हैबिचुअल या फिर रूटीन एक्शन होते हैं, यानी जो डेली लाइफ के एक्शंस होते हैं, जो रेगुलर करते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। जो मुकेश है वो रात को 10 बजे सोता है, तो मतलब एक हिसाब से दोस्तों ये डेली वाला क्या, एक रूटीन वाला मतलब एक सेंटेंस है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। दोस्तों अब ये एस ई एस का क्या चक्कर है, दोस्तों आपने सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ा होगा दोस्तों, सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, साथ ही दोस्तों फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो दोस्तों जो हमारे
थर्ड पर्सन और सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो बाकी जितने भी बचे उनमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिर्फ। लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, जैसे थर्ड पर्सन का मतलब दोस्तों जो ही शी इट वाले होंगे वो सिंगुलर होंगे, ही शी इट वगैरह ये किसी का सिंगल नाम, तो वो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो उनमें दोस्तों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब एस कब लगेगा, एस और ई एस कब लगेगा, आपने दोस्तों नंबर पढ़े होंगे, जैसे बॉय बॉयज होता है लेकिन बॉक्स बॉक्सेज होता है, बॉक्सेज में ई एस लगता है और बॉय में एस लगता है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ वर्ब्स हैं जिनके पीछे एस लगेगा और कुछ ऐसे भी वर्ब होगी जिनके पीछे ई एस लगेगा। जैसे गो है, गो का दोस्तों हम गोज बनाते हैं तो इसके पीछे ई एस लगता है, लेकिन राइट में एस लिखेंगे तो राइट्स बन जाएगा। तो और ये एस ई एस तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया दोस्तों, रोहित राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे रोहित राइट्स ए लेटर, रोहित हमारा सब्जेक्ट है, राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस से लग गया क्योंकि दोस्तों रोहित है जो हमारा कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ए लेटर, रोहित लेटर लिखता है, तो ये दोस्तों प्रेजेंट का टेंस है और प्रेजेंट में भी दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का है और इसमें भी दोस्तों अफर्मेटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव या क्वेश्चन वाली बात नहीं की गई। अगर हमें दोस्तों नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, जब भी हम नेगेटिव का मतलब तो आपको पता है जहाँ पे नोट आता है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट जो टेंस होगा सिंपल वाला यानी इंडेफिनेट वाला, उसमें जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। दोस्तों पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था वर्ब वाला, उसमें मैंने आपको बताया था डू डज के बारे में, डिड होती है, डू डज होते हैं, हैज हैव इज एम आर के बारे में बताया था। तो जो डू डज वाली होती है दोस्तों वो यहाँ पे लगेगी और इसके बाद ही नोट लगेगा, डायरेक्ट नोट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद पहले डू डज फिर नोट आएगा, सब्जेक्ट या तो डू नोट आएगा या डज नोट आएगा। अब डू नोट और डज नोट का क्या चक्कर है दोस्तों, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी ओनली वहाँ पे तो डू लगता था, लेकिन जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा था यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि जो एस ई एस वाला आना था उसके नाम का यहाँ पे दोस्तों डू डज लग गया। अब यहाँ पे चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों सब्जेक्ट आ गया, डू डज, फिर नोट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, रोहित डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे था कि रोहित लेटर लिखता है, यहाँ पे रोहित लेटर नहीं लिखता है तो डज नॉट राइट आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों राइट्स आया था, एस ई एस लगा था, लेकिन जब नेगेटिव होगा उसमें एस ई एस नहीं लगेगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और सेम इंटेरोगेटिव में भी होगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एस ई एस सिर्फ दोस्तों अफर्मेटिव में लगता है, और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है दोस्तों क्वेश्चन वाले, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होती है कोई भी दोस्तों इंटेरोगेटिव हो, उस इंटेरोगेटिव में दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। तो डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से आगे आ गई, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों इंटेरोगेटिव का। जैसे दोस्तों इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाएं कि क्या रोहित पत्र लिखता है या लेटर लिखता है, तो डज रोहित राइट ए लेटर, तो डज हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, राइट वर्ब और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो डज रोहित राइट ए लेटर। तो इस प्रकार दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है। याद आपको स्ट्रक्चर रखना है इसका, तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है कि ये यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हमारी हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस होते हैं, जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, जो डेली रेगुलर, उनको मतलब कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि वह रोज अखबार पढ़ता है, वह हर रोज अखबार पढ़ता है, तो ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो मतलब जो हैबिचुअल हो गए, रूटीन हो गए, वहाँ पे दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में दोस्तों जब भी कंटिन्यूस आ जाए, मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या दिखेगा, आईएनजी दिखेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आईएनजी। और एक बात और आपको बताई थी, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो इज एम आर होगी या वाज वर्ब होगी, तो इज एम आर कब होगी जब प्रेजेंट होगा, और वाज वर्ब कब होगी जब पास्ट होगा। तो प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, इज एम आर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, यहाँ पे इज एम आर आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो बीच में नोट आ गया। और यहाँ पे भी दोस्तों इज एम आर आएगा, लेकिन दोस्तों इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव है, तो ये सबसे आगे आ जाएगी। तो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल की बात करें, रोहित इज राइटिंग ए लेटर, रोहित पत्र लिख रहा है,
रोहित पत्तर लिख रहा है। तो कंटिन्यूस में क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है जो बोलने के वक्त मतलब कंटिन्यू है, जारी है। जैसे मैंने बोला रोहित पत्तर लिख रहा है, यानी लिख रहा है यानी कि वो कंटिन्यू अभी लिख रहा है। तो जो कंटिन्यूटी में होते हैं वो दोस्तों हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले होते हैं। इट एक्सप्रेसेस द एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पोकन, यानी बोलने के टाइम जब मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ तो इस टाइम क्या है दोस्तों, ये जो काम हो रहा है ये कंटिन्यू है, अभी एक्शन में है। रोहित पत्र लिख रहा है तो आपको क्या पता चल रहा है कि वो लिख रहा है, अभी उसने लिखा नहीं है, लिखना स्टार्ट नहीं किया बल्कि लिख रहा है। तो बोलने के टाइम दोस्तों ये क्या है, कंटिन्यू में होते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं आप इसको, यानी जारी होते हैं, ये आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों रोहित इज राइटिंग ए लेटर। अब दोस्तों जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में नोट आता है, तो इसमें डू डज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले दोस्तों इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो डायरेक्ट इसके बाद हम नोट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, रोहित पत्र नहीं लिख रहा है तो रोहित इज नॉट राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करें तो मैंने भी आपको बताया जब भी इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। तो ये रोहित है तो इज रोहित राइटिंग ए लेटर आ जाएगा, इज रोहित राइटिंग ए लेटर। अब दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया था कि इज कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, आर कब लगता है, एम कब लगता है, जब आई होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई को छोड़ के बाकी जो भी बच्चे जितने भी प्लूरल हैं और एक सेकंड पर्सन यू वाला, वो उसमें क्या लगता है दोस्तों, आर लगता है। तो आई के साथ लगेगा एम, थर्ड पर्सन के साथ लगेगा इज, बाकी जितने भी बच्चे उनके साथ लगेगा आर, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल पूर्ण कह सकते हैं आपको, यानी कंप्लीट कह सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो दोस्तों काम है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है, यानी जो मतलब कोई भी एक्शन है दोस्तों वो क्या है, हो चुका है, यानी ऐसे एक्शन जो अभी तुरंत समाप्त हुए हैं, यानी कि अभी अभी क्या है दोस्तों, वो समाप्त हुए हैं। तो तुरंत समाप्त हुआ है कोई भी एक्शन, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट एक्शन विद ए परफेक्ट इफेक्ट, तो यानी कि कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है अभी अभी, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे दोस्तों अभी सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव में। मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछली वीडियो में, जहाँ भी परफेक्ट वर्ड आ जाए, परफेक्ट टेंस आ जाए, तो वहाँ पे हैज हैव या हैड लगेगा, हैज हैव या हैड। अब हैज हैव लगेगा प्रेजेंट में, हैड लगता है दोस्तों पास्ट में, और अगर बात करें फ्यूचर की तो वहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव लगता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हैज हैव आ गया। एक बात और बताई थी कि जब भी हैज हैव आएगा मतलब दोस्तों परफेक्ट में, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज हैव आपको याद रखना है परफेक्ट से। तो आगे तो सब्जेक्ट आता है और फिर बाद में तो ऑब्जेक्ट ही बचा मेन दोस्तों, ये वाली है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर सब में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर पता चल गया, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे देखो दोस्तों, रोहित हैज रिटन ए लेटर, रोहित लेटर लिख चुका है। तो जहाँ पे दोस्तों ऐसा साउंड आती है, लिख चुका है, कर चुका है, तो वहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज करते हैं। तो रोहित हैज रिटन ए लेटर, रोहित लेटर लिख चुका है। हैज किसके साथ लगेगा दोस्तों, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे और बाकी सबके साथ हैव लगेगा। और राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटन थी, तो रोहित थर्ड पर्सन था, रोहित के साथ हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, रोहित हैज रिटन ए लेटर। और जब इसका दोस्तों नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कब बनता है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज हैव थी, तो उसके बाद नोट लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रोहित हैज नोट रिटन ए लेटर, हैज नोट रिटन ए लेटर आ जाएगा दोस्तों। और इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो था वो बाकी एज इट इज रहता है। तो हैज रोहित रिटन ए लेटर, क्या रोहित लेटर लिख चुका है, और इस पर क्या बना था, रोहित लेटर लिख चुका है, इस पर क्या बना था, रोहित लेटर नहीं लिख चुका है, और इंटेरोगेटिव में क्या रोहित लेटर लिख चुका है। तो ये हमारा दोस्तों क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। बात करें दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब दोस्तों यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया, परफेक्ट भी आ गया दोस्तों और कंटिन्यूस भी आ गया। तो दोस्तों परफेक्ट की क्या पहचान थी, हैज हैव। परफेक्ट में दोस्तों क्या आता है, हैज हैव आता है, और कंटिन्यूस में क्या आता है दोस्तों, आईएनजी। कंटिन्यूस में क्या आता है दोस्तों, आईएनजी आता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों परफेक्ट यहाँ पे हैज हैव भी आएगा क्योंकि परफेक्ट है, और कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, एक तो बीन लगता है हैज हैव के बाद, और दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों सिंस या फोर के साथ टाइम लगता है। सिंस या फोर के साथ, फोर के बाद क्या लगता है दोस्तों, टाइम लगता है। दोस्तों इसके बारे में बात करें थोड़ा कि होते क्या है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूस, ये उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, जो एक्शन दोस्तों पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। यानी दोस्तों ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन जो दोस्तों मतलब पास्ट में स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो वर्तमान समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें जारी है, यानी कि रुके नहीं है। तो इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं उनको दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूस टेंस द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में, फिर हैज हैव आएगा परफेक्ट है, बीन भी लग जाएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस आया है, और फिर अब दोस्तों किसी ना किसी टाइम से वो स्टार्ट हुए हैं तो टाइम भी हमें बताना पड़ेगा, और उस टाइम को बताने के लिए दोस्तों हम सिंस या फिर फोर का यूज़ करते हैं टाइम से पहले। सिंस या फिर फोर का यूज़ किया जाता है दोस्तों परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। तो सिंस और फोर इसका यूज़ किया जाता है टाइम से पहले। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अब हैज़ हैव तो आपको पता है कहाँ पे लगेगा, हैज़ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ लगेगा हैव। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों ये सिंस और फोर में से सिंस कब आएगा, फोर कब आएगा। दोस्तों सिंस तब आता है जब कोई एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि एक प्रॉपर टाइम दिया होता है। जैसे दोस्तों आपको कहा गया है कि जैसे कोई ईयर का नाम दे दिया, ईयर दे दिया, जैसे 1998 दे दिया, ईयर हो गया, या कोई मंथ दे दिया जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, कोई भी मंथ दे दिया, कोई डेट दे दी दोस्तों फिक्स, यानी जैसे कोई भी डेट दे दी 13 अक्टूबर 2019, कोई भी डेट हो सकती है, या कोई दिन दे दिया मंडे ट्यूसडे, तो एक फिक्स टाइम, ये हमने बोल दिया कि 2 o'clock या 3 o'clock या 12:30 मतलब 12:30, कोई भी फिक्स टाइम दे दिया जिससे आपको पता चला है कि कौन सा टाइम है, तब तो लगेगा सिंस। लेकिन जब दोस्तों पीरियड दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पीरियड, पीरियड यानी एक समय अवधि दी जाती है, जैसे 2 घंटे, अब हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे हैं, अब आपको बोल दिया 2 साल, तो 2 साल कौन से, 10 महीने, अब कौन से 10 महीने। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तब तो दोस्तों फोर लगाते हैं, लेकिन जब एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है तब दोस्तों क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे बनाएंगे, रोहित हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, रोहित हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर, रोहित है दोस्तों वो 10 मिनट से क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, यानी 10 मिनट पहले उसने स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पास्ट में दोस्तों जो कोई भी कार्य है वो स्टार्ट हो चुका था, स्टार्ट हो चुका है और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी दोस्तों कंटिन्यू है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। रोहित हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, रोहित 10 मिनट से लेटर लिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर नेगेटिव बनाना है, नोट लगाना है, तो नोट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो हैज हैव नोट बीन लग जाएगा, हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे रोहित हैज नोट बीन लेटर राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, अब दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट था जो कि ड्यूरेशन, तो यहाँ पे 4 लिखा था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मॉर्निंग आ गया जो कि ड्यूरेशन नहीं है, एक फिक्स टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग ये फिक्स होते हैं दोस्तों, ये कोई ड्यूरेशन नहीं होती, पीरियड नहीं होता, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि क्या नहीं है, पीरियड नहीं है। तो रोहित हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव में दोस्तों क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हैज हैव आगे आएगा सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर के साथ टाइम। जैसे हैज रोहित बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे 2 आवर्स, यहाँ भी क्या पीरियड है, तो 4 लग गया, 4 2 आवर्स। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे आपको बता देगा कि 4 आएगा या सिंस आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ बच्चे दोस्तों गलत कर देते हैं, कई तो फ्रॉम भी लिख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जहाँ भी आपको हैज़ बीन आपको दिखाई दे गया, हैज़ हैव बीन, तो समझ जाना दोस्तों वो टेंस किसका है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस का है, वहाँ पे सिंस 4 लगाई देगा, मतलब लगेगा अगर टाइम दिया हुआ है, तो सिंस 4 वहाँ पे लगता है, फ्रॉम नहीं लगेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस क्या होता है दोस्तों, ए वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस, जिस वर्ब से दोस्तों किसका बोध होता है, एक पास्ट का मतलब पास्ट टाइम का, जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में पता चलता है, तो वो हमारा दोस्तों पास्ट टेंस होता है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो पहले हो चुका है पास्ट में, उस वो हमारा दोस्तों क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। सचिन प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे दोस्तों जो प्लेड है, यहाँ पे कौन सी वर्ब लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि पास्ट टेंस में जो हमारा अगर सिंपल बनाएंगे तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसके दोस्तों 4 टाइप्स हैं, आगे वही सिंपल और फिर कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करेंगे, सिंपल पास्ट में क्या होगा, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट। दोस्तों अगर कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है,
पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। इस टाइप का जो मतलब एक्शन हो गया उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी पास्ट में मतलब किसी टाइम पे कोई भी चीज़ घटी तो कोई भी मतलब घटना हो घटी वो दोस्तों और वहीं पे समाप्त हो गई, वो घट गई पास्ट में, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उसे मिला तो कल मिला तो मतलब मिल गया तो पास्ट में चला गया। और मीट होता है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म और मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, जिसका मतलब होता है मिलना, तो मैं कल उसे मिला तो कल मिला, तो दोस्तों क्या है ये तो पास्ट में चला गया, कल की बात हो गई, तो ये हमारा दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। आई मेट हिम यस्टरडे, आई दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव दोस्तों नेगेटिव में नोट लगता है और नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है अफर्मेटिव में, तो जब सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं दोस्तों हम डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट में दोस्तों डू डज लगाया था, लेकिन पास्ट में दोस्तों डू डज की जगह क्या लगता है? डिड लगता है। तो जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे डिड नोट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? डिड नोट लिखेंगे। तो भी आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस डिड नोट वर्ब, और जब डिड नोट लिख देते हैं तब जो वर्ब की जो यहाँ पे फॉर्म है दोस्तों वो सेकंड से क्या हो जाती है? फर्स्ट हो जाती है। आपको याद रखना है जब हम डिड नोट लगा देते हैं दोस्तों नेगेटिव बनाएंगे किसी पास्ट टेंस का, तो वो दोस्तों वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी सिंपल में वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको याद रखना है सब्जेक्ट डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना। आई डिड नोट मीट हिम यस्टरडे, मैं कल उसे नहीं मिला तो आई डिड नोट मीट आ जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई दोस्तों मीट और यहाँ पे डिड नोट लग गया। तो डिड नोट के बाद दोस्तों क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको याद रखना है। सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में आएगी, भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इंटरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आएगी दोस्तों, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड आ गया, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो डिड आई मीट हिम यस्टरडे, डिड आई मीट हिम यस्टरडे, क्या मैं कल उसे मिला था, तो डिड आई मीट हिम यस्टरडे, तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया, तो भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस। अब दोस्तों इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। दोस्तों जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है दोस्तों? कंटिन्यूस का मतलब जो एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? कोई भी एक्शन दोस्तों किसी मतलब पास्ट में किसी टाइम पे दोस्तों वो कंटिन्यू था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यानी जैसे पास्ट में किसी भी टाइम पे कोई काम चल रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा था द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो बॉयज हैं वो ग्राउंड में खेल रहे थे, तो उस टाइम दोस्तों वो कंटिन्यू थे, यानी किसी पास्ट टाइम में वो कंटिन्यू थे, तो उस मतलब उस एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा। बात करें दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की, पहले दोस्तों सब्जेक्ट आता है, तो आपको पता है कोई भी मतलब टेंस हो तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था अगर कंटिन्यूस आ जाए तो आई एन जी आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है तो उसके आगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? टू बी वाली आती है, या तो इज एम आर आएगी, ये कहेगी दोस्तों वाज वर आएगी, या अगर फ्यूचर में होगा तो शैल बी विल बी आती है, तो बी वाली वर्ब आती है टू बी वाली। तो इज एम आर तो दोस्तों किसी में आएगी? जो प्रेजेंट में, ये तो पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट में कौन सी होगी? वाज वर होगी, तो यहाँ पे वाज वर आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये कंटिन्यूस का याद रखना है, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, ऑब्जेक्ट द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। और दोस्तों अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या आपको पता है? हेल्पिंग वर्ग के बाद नोट लगा देंगे तो वाज वर्ग के बाद नोट लग जाएगा, तो सब्जेक्ट वाज वर नोट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट द बॉयज वर नोट प्लेइंग इन द ग्राउंड, बॉयज वर नोट प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब बात करते हैं दोस्तों कि वाज और वर कब लगेगा, ये तो आपको पता होगा वाज एक तो आई के साथ लगता है और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। बाकी जितने भी बचे दोस्तों सभी प्लूरल के साथ और सेकंड पर्सन सिंगुलर जिसमें यू आता है उसके साथ भी क्या लगेगा? वर लगेगा। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ दोस्तों वाज लगता है, बाकी जितने भी बचे दोस्तों सभी प्लूरल और सेकंड पर्सन जो सिंगुलर उसके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द स्पीकिंग ऑफ टाइम। दोस्तों ये वो एक्शन होता है जो मतलब कि किसी पास्ट टाइम में बोलने से पहले कंप्लीट हो चुका है, बोलने से पहले दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों जहाँ पे भी आपको परफेक्ट नजर आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दोस्तों या तो हैज हैव लगेगा या हैड लगेगा या फिर विल हैव शैल हैव, लेकिन हैज हैव लगता है प्रेजेंट में, पास्ट में लगेगा हैड, और फ्यूचर हो जाएगा तो विल हैव या शैल हैव वहाँ पे लग जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों 5% तो हैड लगेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे दोस्तों शी हैड रेड द स्टोरी, शी हैड रेड द स्टोरी। अब दोस्तों ये क्या है, आप कहोगे कि रीड है। दोस्तों रीड, रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है रीड रेड रेड होती है, मतलब स्पेलिंग तो दोस्तों ऐसे ही होती है आर ई ए डी, लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है रीड रेड रेड, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है दोस्तों इसको, लेकिन स्पेलिंग दोस्तों रीड होती है। तो इसको हम बोलेंगे सी हैड रीड, सी हैड रेड द स्टोरी। तो वह स्टोरी पढ़ चुकी थी, वह कहानी पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट वाले होते हैं। तो सी हैड रेड द स्टोरी आ जाएगा। और बात करें दोस्तों नेगेटिव की, नेगेटिव का मतलब नोट, और नोट कब लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड के बाद लगेगा नोट, तो हैड नोट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसमें आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट आगे रहेगा ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है। तो वह स्टोरी नहीं लिख चुकी थी, इसका क्या बनाएंगे, सॉरी पढ़ नहीं पढ़ चुकी थी, रीड है रेड है, सी हैड नोट रेड द स्टोरी, सी हैड नोट रेड द स्टोरी आ जाएगा दोस्तों। और बात करें इंटरोगेटिव की, तो आपको पता है इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो हैड शी रेड द स्टोरी, क्या वह स्टोरी पढ़ चुकी थी, हैड शी रेड द स्टोरी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस आ गया तो आई एन जी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और परफेक्ट है तो हैज हैव हैड, मतलब कौन सा परफेक्ट है, पास्ट वाला, तो हैड आएगा। और इसके साथ दोस्तों बीन भी लग जाता है जब परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। और एक टाइम, एक चीज जो और यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, टाइम, टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस फोर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड वाज कंटिन्यूड अंटिल अनदर टाइम इन पास्ट। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, कोई भी काम है दोस्तों वो पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था और फिर पास्ट में ही किसी दूसरे टाइम पे खत्म हो गया, यानी वहां तक कंटिन्यू रहा। यानी दोस्तों पास्ट में किसी टाइम से स्टार्ट हुआ था, जैसे मान लो 1999 से कोई काम करना स्टार्ट किया था, और वो कब तक किया, वो मान लो 2016 तक किया, यानी कि पास्ट में किसी टाइम से स्टार्ट किया, तो पास्ट में आज से पहले वो खत्म हो चुका, वहां तक कंटिन्यू रहा था, यानी किसी टाइम के बीच वो कंटिन्यू रहा, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि उस चीज को एक्सप्रेस करता है। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दोस्तों टाइम, टाइम आता है सिंस फोर के साथ। तो अब आपको हैड बीन है तो ये तो सभी, चाहे कोई सा भी हो दोस्तों सब्जेक्ट, कोई भी हैड बीन ही लगे क्योंकि एक ही ऑप्शन है। लेकिन सिंस फोर का मैंने आपको बताया था, सिंस कब लगता है, जब कोई प्रॉपर टाइम होता है, और फोर कब लगता है, जब टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3 आवर्स, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से हमारा इंतजार कर चुके थे, वे 3 घंटे से हमारा इंतजार कर चुके थे। तो अब पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे देखो, दे हैड बीन वेटिंग, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 3 आवर्स है तो 3 आवर्स एक टाइम पीरियड हो गया, तो यहाँ पे 4 लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें तो नोट लग जाएगा दोस्तों, हैड के बाद नोट लग गया, दे हैड नोट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस 10 o'clock, दे हैड नोट बीन वेटिंग फॉर अस, वे 10 बजे से हमारा इंतजार नहीं कर, वे 10 बजे से हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे रहे वाला आता है दोस्तों, वे 10 बजे से हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे, तो इसमें भी दोस्तों वे 3 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे 10 बजे से हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों 10 बजे है, 10 o'clock है, तो एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे क्या लगाया, सीन से लगाया, तो भी आपको याद रखना है। मेन आपको रूल पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आगे आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों टाइम के साथ सिंस फोर लगता है, सिंस आप, मैंने आपको बता दिया जब कोई फिक्स टाइम होगा, और अगर दोस्तों ड्यूरेशन होगी, पीरियड होगा, तो 4 लगेगा। अब बात करते दोस्तों यहाँ पे इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव में दोस्तों क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी हैड सब्जेक्ट से पहले, फिर जो बाकी बचा था बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से हमारा इंतजार कर रहे थे, तो हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, इंटरोगेटिव बन गया। अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, ए वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस। तो कोई भी दोस्तों वर्ब जो मतलब किसका हमें बोध कराती है, किसी फ्यूचर के बारे में, किसी ऐसे एक्शन के बारे का बोध, मतलब किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करती है जो दोस्तों कहाँ पे फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर में, मतलब ऐसा जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा, तो करेगा, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो जिसका मतलब बात हो रही है वो आने वाले समय की बात हो रही है कि वो करेगा। तो ऐसे एक्शन दोस्तों जो कि मतलब हमें भविष्य के बारे में बताते हैं कि भविष्य में कोई काम होगा, या भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, या भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, तो इस टाइप का जो बोध कराते हैं हमारे, हमें जो वर्ब्स, वो हमारे दोस्तों क्या है, फ्यूचर टेंस होती है, फ्यूचर टेंस वाली होती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलेगा, तो इस फ्यूचर की बात चल रही है, खेलेगा, ना तो वो खेला है, यानी कि ना तो वो खेल चुका है कि वो पास्ट हो जाए, ना ही वो खेल रहा है अभी, यानी प्रेजेंट भी नहीं है, वो खेलेगा,
तो फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बात होती है, जो आने वाले समय के बारे में बात होती है, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। इसके भी चार सब टाइप्स होंगे। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इन फ्यूचर टाइम, दैट इज परफॉर्म्ड इन फ्यूचर टाइम। यानी दोस्तों जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, उस टाइप के एक्शंस के लिए होता है जो मतलब सामान्य रूप से क्या है, भविष्य में यानी कि आने वाले टाइम में होगा। जो कह रहा है दोस्तों सिंपली कहाँ पे, आने वाले टाइम में होगा, जैसे यहाँ पे सचिन विल प्ले क्रिकेट हमने पढ़ा था। इसके अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो आपको पता ही है, मेन है दोस्तों, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो विल शैल लगती है। यहाँ पे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब लगती है, आपको याद रखना है। जो हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड जो हमने पास्ट पढ़ा था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और जो फ्यूचर की बात करें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इसके साथ विल और शैल लग जाएगा। तो ही विल सेंड ए लेटर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, ही विल सेंड ए लेटर, वह एक पत्र सेंड करेगा, भेजेगा, तो ही विल सेंड ए यहाँ पे लेटर आ जाएगा। दोस्तों शैल कब लगता है, जब आई मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी के साथ दोस्तों क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन एक दोस्तों इसकी कंडीशन होती है, जब अगर हम सिंपल की बात करें, सिंपल में तो दोस्तों शैल लगता है आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ, बाकी जितने भी बचे उनके साथ लगता है विल। लेकिन दोस्तों जब किसी बात को दबाव देकर या एक मतलब कि उसको एक हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेशन के साथ कहा जा रहा है, तो ये कोई धमकी दी जा रही है यानी जोर दे के कहा जा रहा है, तब दोस्तों चेंज हो जाता है, आई वी के साथ क्या लग जाता है, विल, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, शैल लगता है। आई वी के साथ यहाँ पे विल लगा देते हैं और बाकी के साथ दोस्तों शैल लगा देते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं सिंपली कहूँ कि मैं कल मान लो दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो मैं सिंपली शैल लगाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं पक्का जाऊँगा, ये कुछ मतलब कि एक डिटर्मिनेशन वाला कोई सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं, जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों मैं आज मतलब अगर पक्का जाना है, मैं आज वहाँ पे जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं कल दिल्ली जाऊँगा ही जाऊँगा, तो वहाँ पे हम विल का यूज लगाएंगे, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कल पक्का जाना है, तो यानी कि डिटर्मिनेशन हो जाती है अगर विल लगा देते हैं। तो शैल और विल में ये फर्क होता है दोस्तों। वैसे तो सिंपल में तो आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ, और बाकियों के साथ विल। लेकिन जब स्ट्रोंग मतलब कोई डिटर्मिनेशन है, कोई धमकी है, ये मतलब जोर दिया जा रहा है, तब दोस्तों चेंज हो जाता है, आई और वी के साथ हम विल लगा देते हैं, बाकी के साथ शैल लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो दोस्तों सब्जेक्ट के साथ अगर नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आया था, आपको पता है, तो विल शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों ही विल नोट सेंड मी ए लेटर, ही विल नोट सेंड मी ए लेटर, वह मुझे पत्र नहीं भेजेगा, वह मुझे पत्र नहीं भेजेगा, तो यहाँ पे विल नोट सेंड आ जाएगा दोस्तों। इंटरोगेटिव में दोस्तों क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले, फिर एज इट इज रहेगा जो भी था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो विल ही सेंड मी ए लेटर, क्या वह मुझे लेटर भेजेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल पहले आ गया, विल ही सेंड मी ए लेटर आ जाएगा। बात करें दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का मतलब जो कर रहा है दोस्तों क्या है, कंटिन्यू है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूस इन फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, फ्यूचर में कुछ समय तक अगर जारी रहने वाले कोई एक्शन है, जारी रहने वाले कंटिन्यू रहने वाले कोई कार्य है, उनके लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट विल शैल के साथ बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो कंटिन्यूस में दोस्तों आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता है, और इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों आईएनजी के साथ, वो टू बी वाली होती है, टू बी वाली। मैंने दोस्तों आपको जब वर्ब वाला चैप्टर बताया था उसमें बताया था हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की होती है, एक तो टू बी वाली, एक दोस्तों आपको बताया था टू डू वाली, और एक टू हैव वाली। तो टू जो बी वाली थी उसमें प्रेजेंट में एएसएमआर था, फर्स्ट में डिड था, और सॉरी डिड नहीं वाजवर था, और जो फ्यूचर में क्या था, विल शैल भी था। लेकिन दोस्तों टू डू वाली थी उसमें प्रेजेंट में क्या था दोस्तों, डू डज, और पास्ट में क्या था, वहाँ पे डिड था। तो दोस्तों टू डू और टू बी, यहाँ पे टू बी वाली लगेगी, डू वाली किस में लगी थी हमारी, वो लगती है जो सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट हो गया जैसे डू डज लगा, सिंपल पास्ट में डिड लगा, तो वहाँ पे लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगी, टू बी वाली यानी कि विल शैल भी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, रीना विल बी कुकिंग फूड, रीना है जो खाना है वो बना रही होगी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि किसी टाइम पे जो रीना है वो
कुकिंग कर रही होगी, यानी कि फूड को बना रही होगी, यानी कंटिन्यू होगा वो काम, तो वो खाना बना रही होगी। तो इस टाइप के, यानी कि जो फ्यूचर टाइम में कोई चीज़ कंटिन्यू है उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, तो विल शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो विल शैल के बाद नोट लगेगा और बी बाद में आएगा, विल शैल नोट बी, ये आपको याद रखना है। जैसे रीना विल नोट बी कुकिंग फूड, रीना खाना नहीं पका रही होगी, तो ये आ जाएगा। इंटरोगेटिव में दोस्तों विल शैल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, वी बी यही रहेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, विल शैल पहले आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बनेगा, विल रीना बी कुकिंग फूड, विल रीना बी कुकिंग फूड, क्या रीना फूड बना रही होगी फ्यूचर में, तो ये होगा दोस्तों। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में दोस्तों आपको टू हैव वाली वर्ब लगानी होती है, टू हैव वाली, यानी कि जब हमने प्रेजेंट की बात करी तो हैज हैव लगाया था दोस्तों, क्या लगाया था, हैज हैव, पास्ट में दोस्तों हैड लगाया था, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल हैव या फिर शैल हैव यहाँ पे लगता है। और वर्ब की दोस्तों परफेक्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो टू हैव वाली लगती है, विल शैल हैव, विल शैल हैव, यानी ये तो विल हैव या शैल हैव यहाँ पे लगेगी। और दोस्तों विल कब लगेगा, शैल कब लगेगा, अभी आपको बताया था, सिंपल होगा तो आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, और बाकी सबके साथ विल लगेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दबाव वाला कोई सेंटेंस होगा तो वहाँ पे विल लगेगा आई और वी के साथ, बाकी के साथ शैल लग जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दिया है, यू विल हैव सीन द कार, यू विल हैव सीन द कार, तुम कार देख चुके होंगे, तुम कार देख चुके होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों विल हैव सीन लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन। उसके बाद अगर नेगेटिव लगाएंगे तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब विल शैल है तो इसके बाद क्या लगा देंगे, नोट, तो सब्जेक्ट फिर विल शैल के साथ नोट, फिर हैव, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यू विल नोट हैव सीन द कार, आप कार को नहीं देख चुके होंगे, आप कार को नहीं देख चुके होंगे, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। और इंटरोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, आगे आएगा विल यू हैव सीन द कार, क्या आप कार देख चुके होंगे। तो उसके बाद दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल शैल हैव आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों एक चीज़ और लग जाती है, बीन और फिर सिंस फोर के साथ टाइम लगता है, सिंस फोर के साथ क्या लगता है, टाइम लगता है, तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल हैव बीन, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस के साथ, सिंस फोर के साथ टाइम लगता है। तो इसको किस कब यूज किया जाता है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू अप अंटिल ए पॉइंट इन फ्यूचर। दोस्तों जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होगा कि कोई कार्य है वो किसी पॉइंट तक, फ्यूचर में दोस्तों कोई भी मतलब टाइम होगा, कोई भी मतलब वहाँ तक दोस्तों किसी निश्चित समय तक क्या है, ये कंटिन्यू रहेगा, यानी किसी भी एक डेफिनेट टाइम तक कोई जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं इस ऐसे मतलब कार्यों को, ऐसे एक्शंस को, ऐसे जो वर्ब की फॉर्म्स होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको याद रखना है, यानी दोस्तों फ्यूचर में किसी भी टाइम तक अगर कोई चीज़ जारी रहेगी तो वो हमारा दोस्तों किस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, यहाँ पे टाइम ऐड हो जाएगा क्योंकि किसी न किसी टाइम तक तो वो चीज़ जारी रहेगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों अफर्मेटिव का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, मदर विल हैव बीन क्लीनिंग हाउस फॉर 2 आवर्स, जो मदर है वो 2 घंटे से मतलब कि हाउस को यानी कि घर को साफ कर रही होगी, साफ कर रही होगी, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है कि फ्यूचर में किसी टाइम क्या होगा कि जो मदर है वो 2 घंटे से क्या है, घर को साफ कर रही होगी फ्यूचर में। तो इस टाइप के सेंटेंस को मतलब कि शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। नेगेटिव में दोस्तों नोट लगता है, कब लगता है, कहाँ पे लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल, तो विल शैल के बाद यहाँ पे नोट लगेगा। तो सब्जेक्ट विल शैल नोट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर के साथ टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 2 आवर्स था तो यहाँ पे 4 लगा था क्योंकि ड्यूरेशन थी। अब यहाँ पे देखो मदर विल नॉट हैव बीन क्लीनिंग हाउस सिंस 2 o'clock, अब यहाँ पे सिंस लग गया क्योंकि 2 o'clock एक प्रॉपर टाइम आ गया, तो भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंटरोगेटिव में आपको पता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो विल शैल सब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर दोस्तों यहाँ पे सिंस 4 के साथ टाइम आएगा। विल मदर हैव बीन क्लीनिंग हाउस फॉर 10 मिनट्स, तो 4 आ गया क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट्स है ड्यूरेशन है। तो क्या माता जी 10 मिनट से घर की सफाई कर रही होगी, तो फ्यूचर की बात हो रही है दोस्तों कि फ्यूचर में 10 मिनट से
क्या माता जी घर की सफाई कर रही होगी। तो इस टाइप के टेंस के लिए दोस्तों हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। दोस्तों मेन आपको रूल याद रख लेने हैं कि कहाँ पे क्या आएगा। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और उसके पहले जो वर्ब आती है वो टू बी वाली वर्ब आती है। परफेक्ट होगा दोस्तों वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और टू हैव वाली वर्ब आती है। और सिंपल होगा दोस्तों, अगर सिंपल में दोस्तों क्या है वर्ब की अगर प्रेजेंट की बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट की बात करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर की बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, लेकिन विल शैल यहाँ पे लगती है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो वहाँ पे दोस्तों परफेक्ट वाला हैज हैव भी आता है, और यहाँ पे आईएनजी भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन बीन लग जाता है विल शैल हैव बीन या फिर हैज हैव बीन या हैड बीन, और यहाँ पे सिंस फॉर के साथ टाइम आता है। अब दोस्तों कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से आपको और ज़्यादा इसको समझने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 से 5 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द सुटेबल टेंस फॉर्म ईच ऑफ द सेंटेंस। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। ही स्टोल माई पेन लास्ट नाइट, मतलब कि लास्ट नाइट पिछली रात उसने मेरा पेन चुरा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या स्टोल आया है जो कि वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और लास्ट नाइट की बात की है तो आपको पता ही चला कि पिछले पास्ट की बात की गई है। तो वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म दोस्तों किस में आती है, ये तो पास्ट में आती है पास्ट सिंपल में, तो आपको पता चल रहा है यहाँ से पास्ट सिंपल दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये रहा आपके सामने, इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा टेंस है। मोहन वाज वॉचिंग ए मूवी ऑन टीवी, मोहन टीवी पे मूवी देख रहा था। तो वाज वॉचिंग, वाज वॉचिंग, तो दोस्तों वाचिंग आ गया आईएनजी, तो अब एक बात तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और वाज आ गया, वाज तो किस में आता है दोस्तों, पास्ट में आता है, तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ब देख के आप बता सकते हो कि कौन सा टेंस होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी, आई हैव, तो यहाँ पे हैव आ गया दोस्तों। हैव किस में आता है, परफेक्ट में आता है, तो परफेक्ट तो दोस्तों यहाँ पे ये तो कंटिन्यूस ये तो नहीं होगा, ये सिंपल है, ये भी नहीं होगा सिंपल, तो परफेक्ट तो दोस्तों एक ही दिया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, मोहन वाज अबसेंट इन लास्ट क्लास, कि लास्ट क्लास थी जो उसमें मोहन अबसेंट था, तो था पास्ट वाला है दोस्तों, वाज आ गई, तो ये तो प्रेजेंट लिखा है, फ्यूचर लिखा है, प्रेजेंट लिखा है, तो पास्ट सिंपल आ जाएगा दोस्तों, सीधा क्या आएगा दोस्तों, पास्ट सिंपल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास आफ्टर पीएचडी, तो यहाँ पे देखो दोस्तों विल हैव बीन, विल हैव आ गया, बीन आ गया, टीचिंग आ गया, तो विल हैव तो दोस्तों कब आता है, फ्यूचर में आता है, और बीन टीचिंग ये दोस्तों ये जब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, 6 से 10 में क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस। यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आपको सही वर्ब का यूज करना है। द प्राइम मिनिस्टर सैड, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा, तो सैड आ गया यानी कि पास्ट की बात है। दैट इट डैश हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग, कि दैट इवनिंग यानी कि उस शाम को सोल्जर्स हैं जो उनसे मिलकर उसको बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद आया। तो ये पास्ट की बात है दोस्तों, कि उस इवनिंग की बात कर रहे हैं, जो मतलब कि जो पास्ट में बीत चुकी है उस इवनिंग की बात की जा रही है, और यहाँ पे सैड लिखा है तो पास्ट की बात है। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो वर्ब आएगी वो पास्ट की आएगी, यानी कि सेकेंड फॉर्म आएगी, तो सेकेंड फॉर्म दोस्तों यहाँ पे गिव्स तो नहीं होती, गेव होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गेव, गिव, गेव, गिवन होता है, तो गेव दोस्तों सेकेंड फॉर्म है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दिस डैश एन इजी क्विज सो फार, दिस डैश एन इजी क्विज सो फार, यानी अब तक की सबसे जो मुश्किल क्विज थी दोस्तों ये थी, तो अब तक की जो सबसे मुश्किल क्विज थी ये होती, तो दिस हैज बीन या फिर हैड बीन या फिर वाज या फिर विल हैव बीन, तो यह अब तक की सबसे मुश्किल क्विज है। तो यहाँ पे दोस्तों विल हैव बीन तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस वाज भी नहीं आएगा, दिस हैज बीन एन इजी क्विज, तो दिस हैज बीन एन इजी क्विज सो फार, या दिस हैड बीन भी नहीं आएगा पास्ट में, तो दिस हैज बीन आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, दिस हैज बीन एन इजी क्विज सो फार, यानी अब तक की ये क्या है दोस्तों, अभी रिसेंट की बात है कि अब तक की ये सबसे जो मतलब क्या है मुश्किल क्विज हो चुकी है, तो यहाँ पे दोस्तों हैज बीन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दे डैश इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड ए चीप हाउस, दे डैश इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ, कि वे अब तक उस अपार्टमेंट में दोस्तों जिस भी अपार्टमेंट की बात चल रही है उसमें दोस्तों क्या है रह रहे थे या रह रहे हैं, आगे दे कांट फाइंड ए चीप हाउस, क्योंकि उनको कोई भी मतलब सस्ता घर है वो ढूंढ नहीं पाए, सस्ता घर उनको मिल नहीं पाया, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, दे आर लिविंग आएगा या दे वर लिविंग आएगा या दे, यहाँ पे दोस्तों कांट आया है, पहली बात तो कुड़ नोट नहीं आया, यानी कि पास्ट का तो नहीं है,
तो हैड बीन काट दो यहाँ से और वर लिविंग काट दो, हैड बीन और वर लिविंग काट दो। अब दे आर डैश राइट नाउ, तो राइट नाउ की बात चल रही है, राइट नाउ यानी अभी अभी, तो अभी अभी दोस्तों क्या है वो हैव बीन लिविंग आएगा या आर लिविंग, हैव बीन लिविंग यानी कि किसी टाइम से रह रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों वो तो नहीं कहा कि उस टाइम से रह रहे हैं, तो ये आएगा नहीं, राइट नाउ है यानी कि अभी रह रहे हैं, तो अभी जो कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब कि एट ए टाइम होता है दोस्तों, यानी कि बोलने के टाइम जो काम हो रहा होता है उसको हम किस में लिखते हैं, कंटिन्यूस में लिखते हैं, तो अभी हो रहा है तो ये आर लिविंग आ जाएगा, क्या आएगा, दे आर लिविंग इन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड अ सेफ हाउस, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन डैश व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, दोस्तों जब अर्थक्वेक है वो किसको हिट किया उसने, यानी कि स्मॉल टाउन को हिट किया, तो हर कोई क्या था, हर कोई क्या था दोस्तों, तो हर कोई इज स्लीपिंग यानी कि सो रहा है, या हर कोई स्लेप्ट, हर कोई मतलब स्लेप्ट यानी कि सोया था, ये सो रहा था, या हर कोई वाज स्लीपिंग यानी सो रहा था, ये विल बी स्लीपिंग यानी सो रहा होगा, तो हिट द स्मॉल टाइम यानी अर्थक्वेक आ चुका है दोस्तों, तो आ चुका है, तो जब अर्थक्वेक आया उस टाइम हर कोई क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था होगा, तो यानी कि कंटिन्यू में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इज तो स्लीपिंग, तो ये तो प्रेजेंट में होगा, विल बी स्लीपिंग फ्यूचर में होगा, तो वाज स्लीपिंग है दोस्तों पास्ट का, तो कि सो रहे थे, एवरी वन वाज स्लीपिंग यानी हर कोई सो रहा था, तो वाज स्लीपिंग आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ही डैश बाय हरसेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स, ही डैश बाय हरसेल्फ सिंस हिज, अब यहाँ पे सिंस आ गया, तो सिंस से आपको एक बात तो पता चल गई होगी दोस्तों कि इस सिंस से क्या बात पता चली होगी कि जो टेंस है वो हमारा क्या होगा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था दोस्तों, या तो हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, या विल शैल हैव बीन लिविंग, यानी कि बीन लिविंग वाला आएगा, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो। अब ये बच्चा पहले वाला हैज बीन वाला, और एक बच्चा दोस्तों हैड बीन वाला, एक बच्चा हैव बीन वाला, एक बच्चा हैड बीन वाला, तो उसने कहा कि ही डैश बाय हरसेल्फ, ही डैश ये वाला तो काट दो, ही डैश बाय हरसेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स, उसके डाइवोर्स से वह अब तक क्या है दोस्तों, बाय हर अकेले ही रह रहा ही है, तो है रह रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, ही हैज़ बीन आएगा, क्या आएगा, ही हैज़ बीन, यानी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं बताया कि वो पास्ट में हो चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, हमारा हैज़ बीन लिविंग आएगा, ही हैज़ बीन लिविंग आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 15 यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में दोस्तों वो आपको वर्ब की फॉर्म दी हुई है, लेकिन कौन सी सही यहाँ पे यूज होगी वो आपको बताना है। इट आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था, दैट आई डैश सच ए स्टूपिड मिस्टेक, मैं गुस्सा क्यों था, क्योंकि मैंने कुछ क्या है गलती की थी, कुछ गलती कर दी होगी, यानी कि पास्ट की बात है दोस्तों, पास्ट में कोई मैंने गलती की थी, आई वॉज एंग्री, मैं दोस्तों क्या था, गुस्सा था, बिकॉज आई डैश सच ए मिस्टेक स्टूपिड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो वो पास्ट की बात है, तो हैज मेड नहीं आएगा, आई एम मेकिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की है, तो आई हैड मेक आएगा दोस्तों, क्योंकि पास्ट में कोई चीज करी थी उस टाइम मैं गुस्सा था, तो हैड मेड आएगी, यानी कि परफेक्ट का यूज कब होता है दोस्तों, जब अभी अभी कोई चीज किया है, फिर तो वो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट में, लेकिन किसी पास्ट के किसी टाइम से पहले कोई चीज हुई है वो हमारा दोस्तों किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, तो हैडमेड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आई प्रेडिक्ट दैट बाय 2020, अब तो दोस्तों जा चुका है, लेकिन जब ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे दोस्तों कुछ आगे का, जैसे मैं यहाँ पे अब मान लेता हूँ, हम यहाँ पे मान लेते 2026 मान लेते हैं, आई प्रेडिक्ट दैट बाय 2026 मैन डैश ऑन मार्स, मैन डैश ऑन मार्स, यानी कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि 2026 तक जो आदमी है वह मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे लैंड कर जाएंगे, यानी वहां तक पहुंच जाएंगे, वहां पे उतर जाएंगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या आएगा दोस्तों, फ्यूचर की बात है, और हो भी मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 2026 तक ऐसा हो चुका होगा, तो ऐसा हो चुका होगा, यानी कि जो मैन है वो मार्स पे उतर चुके होंगे, तो ऐसा किस में होता है दोस्तों, चुके होंगे वो हमारा किस में होता है, परफेक्ट वाले में होता है, तो परफेक्ट वाला कौन सा, यहाँ पे विल हैव लैंडेड आ जाएगा, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल हैव लैंडेड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश ए वंडरफुल फिल्म इन द सिनेमा लास्ट नाइट, आई डैश ए वंडरफुल फिल्म, मैंने दोस्तों लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को सिनेमा में एक वंडरफुल फिल्म देखी, तो देखी, देख चुका हूँ मैं उसको, पास्ट में चला गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी सा, आई सा, क्या आएगा दोस्तों, आई सा आई वंडरफुल फिल्म आ जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द प्लेन डैश इन ए फ्यू मिनट्स, प्लेन है दोस्तों वो कुछ मिनट में टेक ऑफ करने वाला है, ये होगा फ्यू मिनट्स लिखा है कि कुछ मिनट्स में टेक ऑफ करने वाला है या करेगा, बात ये क्या है, तो द प्लेन डैश इन ए फ्यू मिनट्स, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, द प्लेन
इज टेकिंग ऑफ आएगा, ये विल बी टेकिंग ऑफ आएगा, टुक ऑफ आएगा, या मतलब कि नाउ नन ऑफ दीज आएगा। तो द प्लेन है दोस्तों वो क्या आएगा यहाँ पे, इज टेकिंग ऑफ इन फ्यू मिनट्स, द प्लेन इज टेकिंग ऑफ इन फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनट्स में टेक ऑफ कर रहा है या करने वाला है। तो कुछ मिनट्स में टेकिंग ऑफ करने वाला है यानी कि कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश एट सेवन आई मतलब क्या है पे 7 AM लिख दो, ये कुछ भी मान लो 7 o'clock लगा दो, एवरी मॉर्निंग बट टूडे आई वॉज लेट, मैं हर सुबह 7 बजे उठता था बट टूडे आई वॉज लेट, लेकिन आज मैं लेट था। अच्छा उठता हूँ लेकिन आज मैं लेट हूँ, लेट था मैं दोस्तों। रोज सुबह कितने बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, लेकिन आज क्या हूँ मैं लेट हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो हैबिचुअल वाले होते हैं, हैबिट वाले होते हैं, उनमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है या सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में तो दोस्तों गेटअप ही आएगा यहाँ पे, आई गेटअप, तो गेटअप यानी ऑप्शन सी यही आएगा दोस्तों, आई गेटअप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट टूडे आई वॉज लेट, लेकिन आज मैं लेट था, लेकिन हर रोज मैं किस टाइम उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे गेटअप आएगा क्योंकि हैबिचुअल वाला है, तो सिंपल प्रेजेंट ही लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 से लेकर 20 तक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज गिवन विद एन एरर इन इट, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एरर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी इग्नोर एरर इफ पंक्चुएशन। अच्छा पंक्चुएशन का एरर नहीं देखना है यहाँ पे, अगर कोई दोस्तों आपका वर्ब का एरर है, टेंस का एरर है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच, जो लास्ट बस है दोस्तों वो भी मैंने मिस कर दिया, जिसको मैं पकड़ता था, जो लास्ट बस होती थी वो भी मतलब क्या है मैंने मिस कर दी है, एंड हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट, और जो लास्ट नाइट दोस्तों जो बस है वहीं पे हैव टू स्टे बैक, वहीं से वापस आना पड़ा। तो देखो दोस्तों, आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा गड़बड़ है, यहाँ पे मुझे दोस्तों यहाँ पे लगता है आई, यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे चला गया, हैव टू स्टे बैक, यहाँ पे दोस्तों मुझे गड़बड़ लगती है, आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई एक्चुअली कैच, ये तो ठीक है, विच आई एक्चुअली कैच, ये तो ठीक है दोस्तों, एंड हैव टू स्टे, यहाँ पे हैव नहीं आएगा दोस्तों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मिस्ड है, पास्ट की बात चल रही है यहाँ पे लास्ट नाइट, तो पास्ट की बात चल रही है तो हैड टू स्टे आएगा दोस्तों, यहाँ पे हैड आएगा, हैव टू नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है, एरर है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हर गोल इज टू विन गोल्ड मेडल, उसका गोल क्या है, गोल्ड मेडल जीतना इन द एशियन गेम्स में, एंड मेड हर कंट्री प्राउड, और अपने देश को प्राउड मतलब अपने जो देश है उसको क्या है प्राउड बनाना। तो यहाँ पे मेड दोस्तों क्या है, मेड हमारा क्या है, तो सेकंड फॉर्म आ गई मेक की, मेड क्या है दोस्तों, ये तो हमारी सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी यहाँ, तो मेक आना चाहिए, एंड मेक हर कंट्री प्राउड, यानी कि अपनी कंट्री को क्या है प्राउड फील करवाना है, प्राउड गर्व महसूस करवाना है, गर्व बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे मेड नहीं आएगा, मेक आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ये आपका क्या है यहाँ पे ऑप्शन बी में, सॉरी सी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ही फर्मली बिलीव दैट इफ एनी डिसीज इज डिटेक्टेड अर्ली देन इट कैन बी क्योर्ड बाई योगा। उसने क्या कहा, ही फर्मली बिलीव दैट, उसने वह मतलब कि उसने आसानी से बिलीव किया कि अगर कोई भी डिसीज डिटेक्ट हुई अर्ली देन इट कैन बी क्योर्ड बाई योगा, तो वो योगा के द्वारा मतलब क्या है क्योर हो जाएगी। तो ही फर्मली बिलीव इफ एनी डिटेक्टेड, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे डिटेक्टेड लिखा है वर्ग की सेकेंड फॉर्म, तो जब भी दोस्तों दैट के बाद जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसका मतलब उससे पहले जरूर फर्स्ट सेकंड फॉर्म होगी, और अगर पहले सेकंड फॉर्म होती है तो बाद में भी सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि अगर पहले सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो बाद में भी पास्ट में होगा, और अगर बाद में पास्ट में है तो इसका मतलब पहले पास्ट में होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, तो यहाँ पे दोस्तों बिलीव्ड आएगा, क्या आएगा, बिलीव्ड आएगा, बिलीव नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए में दोस्तों यहाँ पे एरर है, आपने दोस्तों वो तो पढ़ा होगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा, जब ये यहाँ पे जो मतलब अगर सैड लिखा होता है यहाँ पे, ये बिलीव्ड मतलब यहाँ पे जब पास्ट होता है तो दैट के बाद का जो पार्ट है वो भी पास्ट में आता है, तो आपने पढ़ा होगा। अब 19th देखते हैं दोस्तों, राम टेक्स चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, राम टेक्स चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, राम टेक्स चार्ज आएगा, चार्ज या कुछ और आएगा, राम टेक्स चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज,
तो दोस्तों यहाँ पे विद इन ए फ्यू डेज की बात चल रही है कि नहीं, कुछ दिनों में जो राम है वो क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट का जो चार्ज है वो लेगा। तो राम टेक्स नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, राम विल टेक आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, राम विल टेक आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राम विल टेक चार्ज ऑफ दिस ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के कुछ दिन में जो राम है इसका मतलब चार्ज लेगा। तो शायद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टेक्स तो नहीं आएगा था, तो मुझे पता है, तो हो सकता है यहाँ पे या तो विल टेक आए, राम विल टेक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे दोस्तों एरर वाला है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, इकोनॉमिस्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स लो टू 8% दिस ईयर। फॉल्स लो टू 8 कितना, टू 8% दिस ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे फिर वो दैट वाला आ गया, यहाँ पे प्रेडिक्टेड हैव प्रेडिक्टेड, तो यहाँ पे प्रेडिक्टेड है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, फॉल्स नहीं आएगा, सिंपल में हम इसको यूज नहीं करेंगे। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आपका जो सी वाला पार्ट है दोस्तों उसमें क्या है, एरर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स्ट हैव प्रेडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो फॉल्स है वो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, फॉल्स लो नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर है। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, और जो हमारा पूरा चैप्टर था टेंस का, इसमें दोस्तों आपको क्या है, एक तो रूल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको रूल याद है तो आप दोस्तों इजीली क्या है इनको, मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको इजीली पता लगा सकते हो कहाँ पे गड़बड़ है और कहाँ पे मतलब सही होगा। और दूसरा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और एक कुछ दोस्तों वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था दैट है, इससे पहले अगर पास्ट है तो बाद में पास्ट आएगा। और कुछ होते हैं दोस्तों जैसे दैट इवनिंग, लास्ट नाइट, तो इनसे पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी आज का क्लास थी, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।